नमस्कार, मैं हूं राजकुमार, राजकुमार दीवान, बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम बड़ा बिजनेस टीम विवेक बिंद्रा। टीम विवेक बिंद्रा में मैं बिजनेस सलाहकार हूं और एक एंटरप्रेन्योर हूं, मेरा खुद का भी बिजनेस है। आज मैं बात करने वाला हूं कि यदि आप कोरिया जिले से हैं, मनेन्द्रगढ़ हो गया, कोरिया जिले हो गए, या फिर एमपी से हो गए, जो हमारा 24 जून को वेबिनार होने वाला है विवेक सर का, ये लाइव वेबिनार होने वाला है 24 जून को विवेक बिंद्रा जी का, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच हैं और पैन इंडिया वर्क कर रहे हैं। तो आप यदि किसी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, स्कूल से, स्कूल 11वीं 12वीं का होना चाहिए, तो 11वीं 12वीं की स्किल स्कूल से हैं और किसी यूनिवर्सिटी से हैं, कॉलेज से हैं, किसी कोचिंग संस्था से हैं, चाहे वो बीएड कॉलेज हो, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे किसी प्रकार का कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, इससे संबंध रखते हैं और इनके या तो आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ये आपकी ही संस्था है, यदि ऐसा है तो आप 24 जून के इस वेबिनार में शामिल हो सकते हैं और जान सकते हैं कि फ्यूचर में कैसे एजुकेशन को पसंद किया जाएगा स्टूडेंट के द्वारा और पेरेंट्स के द्वारा। आप इस वेबिनार में शामिल हो सकते हैं, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन का करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे, मैं रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपको दे सकता हूं और रजिस्ट्रेशन करके आप इस विवेक सर के वेबिनार में शामिल हो सकते हैं। तो मैं बात करने वाला था कि यदि आप इस आसपास के क्षेत्र से हैं, मनेन्द्रगढ़ हो गया, कोरिया हो गया, बैकुंठपुर हो गया, खोगा पानी हो गया, झाराखंड हो गया, लिदरी हो गया, चिरमिरी हो गया, और साथ साथ इधर रामनगर डोला हो गए, साथ ही साथ शहडोल क्षेत्र भी आ जाता है, लिदरी शहडोल, तो क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी एजुकेशन तो सबके लिए खुला होता है, ये तो कोई बॉर्डर की सीमाओं पर नहीं बंधा है। तो यदि आप इन संस्थाओं से हैं या फिर इनसे संबंधित हैं या फिर इनसे एजुकेशन करते हैं तो आपको इस वेबिनार में शामिल होना चाहिए। ये वेबिनार हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो मुख्य प्रबंधक हैं, खासकर उनके लिए है कि वो कैसे अपने एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, अपनी एजुकेशन संस्था को बढ़ा सकते हैं इसके बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं पर ये बड़ी एक समस्या हो गई है। आज पेरेंट को विश्वास नहीं है कि वो अपने अपने बच्चे को कैसे संस्था में पढ़ाए, आज स्टूडेंट को बिलीव नहीं रह गया कि वो कैसा एजुकेशन ले जिससे वो एंटरप्रेन्योरशिप कर सके। ये जो वेबिनार है इसका मुख्य उद्देश्य है आपको एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड करना, मतलब कि ऐसा माइंडसेट जहां पर आप एजुकेशन लेते हुए आप ऐसी तैयारी कर सके, जहां पर आपका उद्देश्य क्लियर हो कि यदि मुझे जॉब के लिए परेशान ना होना पड़े, यदि मुझे जॉब नहीं भी मिलता है तो मैं खुद का नौकरी बना लूंगा, मैं खुद का जॉब क्रिएटर बनूंगा, मैं खुद का कोई ऐसे फील्ड में वर्क करूंगा, एक्सपर्टीज हायर करूंगा कि मैं उस फील्ड में मास्टरी करके अपने को खुद एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर बनाऊं, ना कि डिग्री लेके घूमता रहूं। करोड़ों की संख्या में लड़के हर साल पास हो रहे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में, और उनके पास स्किल ना होने के कारण में बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है। आए दिन एजुकेशन के लिए लड़ाई हो रही है, गवर्नमेंट से बात बहस हो रही है, गवर्नमेंट को दबाव किया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट अवेलेबल नहीं करा सकती भाई पूरी तरह से। तो आपको ऐसी तैयारी अपने आप को करनी होगी ताकि आप खुद सक्षम हो सके, खुद अपने आप को बिल्ड कर सके, किसी के लिए, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना रह जाए कि मुझे नौकरी दो, मुझे नौकरी दो, क्योंकि नौकरी पाना भी आसान नहीं है आज के समय में। आपको वही स्किल के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि यदि आपको जॉब चाहिए, यदि आपको क्रिएटर बनना है तो आपको कैसे स्किल बिल्ड करना चाहिए। तो आपने मुझे देखा, सुना, समझा, आप इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए उन लोगों से जो इस सेक्टर में हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं और अपने एजुकेशन सेक्टर में बढ़ना चाहते हैं, पेरेंट्स का फ्यूचर अच्छा हो, बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, इसी उद्देश्य के साथ हम ये वेबिनार करने जा रहे हैं। आपका संस्था का फ्यूचर अच्छा हो, इसी उद्देश्य के साथ हम ये वेबिनार करने जा रहे हैं। आप इस वेबिनार में शामिल होकर इस वेबिनार का लाभ ले सकते हैं 24 जून 2021।